हे गाइस, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सारे बढ़िया होंगे। तो आज आपको मैं मिलाता हूँ अपने कुछ नए गेस्ट से जो मेरे साथ आए हैं। पीछे बैठी है खुशी और एक है जिनी साथ में। तो ये दोनों आए हैं अभी लुधियाना से स्पेशल चल के कि भाई आज हम आप लोगों के साथ जाएंगे घूमने, क्योंकि इनको शौक हो रहा है कि यार कहीं निकलते हैं, थक गए बेचारे पढ़ पढ़ के। ये भाई पीयू में पढ़ती है और दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं दोनों। और खुशी कहाँ से है? मैं पालमपुर से हूँ, हिमाचल। अच्छा, ये पालमपुर से और ये तो चलो शिमला से है। इसका नाम फैमिली वुमन भी है जिनी का। मैं तो हूँ फैमिली मैन, बट तेरा नाम फैमिली वुमन है। मैं भी हो जाऊंगी फैमिली। तो साथ में भावना भी है और आज मजा आने वाला है। लेकिन हम जा कर रहे हैं, अगर आप हमें देख के पता लगा सको तो बात अलग है, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वो तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। तो जाना तो हमें यहाँ पे जल्दी था, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये दोनों पीछे से लेट हो गए हैं। सुबह इनको कहा था कि हाँ तुम लोग 6 बजे निकल जाना लुधियाना से, लेकिन 6 बजे तो ये उठे भी नहीं थे सो के। तो वो तो बाई चांस इनको मैंने फ़ोन कर लिया सुबह उठ के कि हाँ यार तुम लोग चले हो कि नहीं चले हो, और एज एक्सपेक्टेड दोनों 7 बजे भी सो रहे थे। तो मेरे फ़ोन करने के बाद ही दोनों उठे हैं, उसके बाद ये नहा धो के तैयार हुए हैं और फिर ये निकले हैं। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं हम जहाँ जा रहे थे, ऑलमोस्ट बस आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे अपने रास्ते में। ये फैमिली वुमन ने हमें लेट करवा दिया आज, ऑलरेडी हम 3 घंटा लेट चल रहे हैं इस टाइम पे। घर वाले 3 घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं, फ़ोन कर करके उन्होंने मतलब वो परेशान हो रहे हैं। निकली सही बात है यार, ऑब्वियसली वो परेशान तो होंगी क्योंकि वो 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, ऊपर से इतनी गर्मी है यहाँ पे। अपना नाम खुद ले लियो कि हाँ भाई तेरी वजह से लेट हुआ है। ये देखो कैसी कहती है, झूठ तो देख, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी, पता क्या जिंदगी में कभी, और खासकर जैसी जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे। देख ये लॉयर वाली बात यहाँ नहीं करनी, विटनेस विटनेस नहीं है। किरतपुर साहिब पहुँचने वाले हैं, किरतपुर साहिब पहुँच गए हम यहाँ से, और यहाँ से अब उसके बाद अभी आनंदपुर साहिब आएगा ऑलमोस्ट, और उसके बाद जहाँ हम जा रहे हैं हम पहुँच जाएंगे। आपको लग ही गया पता हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता ही देता हूँ ऐसे ऑलमोस्ट आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नैना, तो हम जा रहे हैं नैना देवी, नैना देवी माता के दर्शन करने, और वहाँ पे सारे घर वाले भी इकट्ठे हो रखे हैं इस टाइम पर, हम भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज एक अपना लुक भी ऐसा रखा है कि हाँ यार भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान से मिले, और जय माता दी वगैरह यहाँ भी काफी अच्छे लग रखे हैं किरतपुर साहिब के पास। यहाँ का व्यू भी अच्छा आ रहा है ऐसे, और पीछे यहाँ पे भी पानी पानी था। वो जो नहरें हैं ना यहाँ की, पंजाब की नहरें, देखने का मजा ही कुछ और है यार। मतलब रिच इन कल्चर, रिच इन रिसोर्सेज, मजा ही अलग है। तो गाइस चलिए चलते हैं वहाँ पे और सभी से मिलते हैं। अभी घर वाले पहुँच गए होंगे, ऑलमोस्ट हम भी पहुँच ही गए हैं, तो सभी से मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ अगर आपको भी माता के दर्शन करने हैं अभी, तो चलिए चलते हैं। अपोर्ट जय माता दी, लेट्स रॉक। कंटिन्यू ऑन नयना देवी रोड फॉर 15 किलोमीटर्स 18 किलोमीटर्स फाइनली गाड़ी से हम उतर गए हैं और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं पैदल चल के, और यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, सारे नीचे का जो व्यू आ रहा है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे धुंध रखी है तो उसकी वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेट व्यू आता है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, और लोगों ने कहीं ने तो दर्शन करके वापस जा रहे हैं कुछ लोग, पर हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने माता के पास। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, भावना थक रही है भाई, थोड़ा स्टेमिना बनाऊंगा ठीक है, सांस नहीं आ रहा, थोड़ा रनिंग किया करो, वॉकिंग घुमा फिरा करो, बढ़िया। मेरे को कुछ लोग जाने बजाने चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो फोन में बिजी है, ये तो फोन में बिजी है। और हमने फिर माता को चढ़ाने के लिए चुनरी ले ली अब, और अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद निकल लेते। जय माता दी, जय माता दी के नारे लग रहे हैं यहाँ पे सारे आसपास। फाइनली
नैना देवी माता के मंदिर हम पहुंच चुके हैं अभी, और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे लोगों का, जाना जरूरी है। हालांकि घर वाले नहीं मिल रहे यहाँ पे, क्योंकि इतने रश में तो घर वालों को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो लेट्स सी अभी कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, ढूंढ रहे हैं। ब्रदर इन लॉ मिल गए, वो चल रहे हैं और उनके साथ साथ जा रहे हैं हम पीछे पीछे, क्योंकि यहाँ पूजा रखवाई है इन्होंने, तो पूजा में बैठेंगे अभी थोड़ा सा, भैया यहाँ पे भी मेरे को और सारे मिल गए, सारे मिल गए यहाँ पे। सो गाइस फाइनली ऑनलाइन में लग चुके हैं आप और माता के दर्शन किए। सो फाइनली माता के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा यार, माता के दर्शन करके एकदम शांति मिल जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि सारे दुख दर्द खत्म ही हो गए, भगवान ने करी हुई एकदम से। चलो ठीक है, अब हम निकलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। फिलहाल अभी सबसे मिलते हैं, सबसे मिले नहीं उनके तो, उन्होंने दर्शन पहले कर लिए, अब हम निकलते हैं उनसे। लो जी फाइनली वहीं वापस आ गए जहाँ शूज़ खोले थे, दर्शन भी हो गए, माता जी का आशीर्वाद भी ले लिया, और हम वेट कर रहे हैं घर वालों का। सारे आ गए, मेरे ब्रदर्स इन लॉ भी आ गए हैं, और आ गए भैया, हो गए दर्शन आपके भी। ये प्रणय भी आ गया, हेलो प्रणय। से अभी भाभी जी आ गए, पापा जी आ गए, हेलो। क्या नहीं बनाना व्लॉग? ये पूछ रहे व्लॉग क्यों बनाता है, व्लॉग बनाना जरूरी है ना। अभी ये भाभी जी और वो मम्मी भी आ गए। हाँ जी, देखा मेरा व्लॉग? क्या क्या देखा मेरे व्लॉग में हैं बता। और ये नितिन भैया, ये बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, मैंने इनको सिखाई है थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग, कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। भैया थोड़ा बाइसेप पे काम करो, है ना, ठीक है। और बाइसेप कर्ल आपने मारने हैं, ठीक है, अच्छे से। बाकी जो नहीं लगेगा पता मुझे, आप कॉल कर लेना, आप मेरे को कॉल करके बता दिया करना ना, कौन सी है और डाइट प्लान भी बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, वो टेंशन ही लेनी भैया आपने बस। लो जी भैया और बहन का मिलन हो गया। लो जी ये और ये खुशी, खुशी भी आ गई। हेलो खुशी, क्या कर रही है तुम? कॉटन कैंडी? ये लो जी, माँ और बेटी का अनोखा संगम। अरे जिया जिया, हेलो जिया, पीछे इधर हूँ मैं, क्योंकि शर्मा रही है ये। इन्होंने की भाई ब्लॉग बन रहा है, इन्होंने ब्लॉग बन रहा है, इन्होंने चश्मा पहन लिया। अब आप कड़ी चावल भी खा लो ना। बोले कड़ी चावल, कड़ी चावल खाएंगे, अब हम कड़ी चावल खाएंगे। ये अंशु है, हेलो अंशु। इन्होंने क्या खा रहा है? ये देखो बच्चों के तो अपने ही नजारे, इनका प्रसाद अलग ही है। भाखड़ा डैम जा रहे हैं गाइस, अब हम तो बोटिंग करने, बोटिंग होती है यहाँ पे, तो भाखड़ा डैम में जाते हैं अब और वहाँ बोटिंग करते हैं। और वाह यार फिर तो एक्साइटिंग हो जाएगा, है ना, मजा ही आ जाएगा फिर तो। गजब, मैं चलूंगा बोट, बहुत बढ़िया, मैं बोट बहुत खुश हूं। आज मैं आपको बोट चला के दिखाता हूँ, बोट में खुद ही चलाऊंगा आज। हाय खुशी, हेलो बोलो। और ये साथ में आ गया प्रणय हमारे, प्रणय हेलो बोलो। तो ये प्रणय और खुशी आ गए, हम दूसरी एक छोटी खुशी है और ये प्रणय है, ये तो दोनों मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो कहते हैं कि हमारे को आपके साथ जाना है, हमारे को भी अपने ब्लॉग में लो। मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते तुझे? हाँ, अच्छे लगते हैं। कितने मेरे कितनी बार ब्लॉग देखता है तू? 10 टाइम। क्या बात कर रहा है, इतने ज्यादा कितनी बार? 20। चलो घर में कम से कम 2 फैन तो हुए मेरे यार। ये दो बच्चे बोल रहा था, ये दो बच्चे ही है जो मेरा ब्लॉग पता नहीं बार बार सबको दिखाते हैं। क्या कह रहा था तुम्हें, क्या कह रहा था वैसे? अरे मुझे बोल रहा था, मुझे पता है, कहते आप पॉपकॉर्न कैसे खाते हो, मैं कहते को कैसे पता, मैंने आपका ब्लॉग देखा था ना। बाय 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 बाय। चलो चलो सारी गाड़ियां भेज दी हमने आगे, अब ठीक है। यहाँ का नज़ारा देख के अपने को रोक नहीं पाया, मैंने गाड़ी रोक के यहाँ का व्यू ले लिया थोड़ा सा। पानी एकदम ब्लू कलर का है, ब्लू ग्रीनिश ब्लू, अल्टीमेट अमेजिंग ही है यार यहाँ पे तो। और ये खड़े हैं यहाँ पे हमारे प्रणय और खुशी, हेलो। इनके अलग ही मज़े लगे, मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है, क्या देख के मज़ा आ रहा है प्रणय? किस में आ रहा है मज़ा? आसमान में। इन ये आसमान के व्यू दे रहे हैं ना, चलें फिर आगे। चलो
तो बढ़िया है। फाइनली अभी यहाँ रुके हम कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे मैगी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, तो मैगी खा के निकलेंगे यहाँ से। कड़ी चावल के हैं उधर, कड़ी चावल मिल रहा है, चलो कुछ वहाँ पे खा लूँगा। यहाँ तो मैगी आ रही है ना, यहाँ तो करेगा वोटिंग, डर नहीं लगता? झूठ बोल रहे, कोई डर नहीं लगता? तो एक टोली यहाँ बैठी है हमारी पूरी लेडी स्टाफ यहाँ पे सारा। गाइस मैगी आ गई है, मैगी बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैगी अच्छी है, टेस्टी है। सो गाइस वोटिंग के लिए निकल चुके हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है, कम से कम 20 बंदे हैं वोटिंग करने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी बोट उनके पास पता नहीं होगी कि नहीं, है ना? बीस बंदो लगे। ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है, यहाँ पे देख सकते हो एज अल्टीमेट भी मज़ा ही बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो अभी चलिए देखते हैं बोटिंग करके कितना मज़ा आएगा। अभी रोने ने मार दी बच्चों के साथ, बड़ा खतरनाक बच्चों को लेके आए ना, तो बच्चों को जब भी लेके आओ तो ध्यान से लेके आओ भाई कभी भी। लो जी हमारी बोट तैयार हो गई है, भैया ने बोट पकड़ के खड़े हैं। तो जिया छलांग मारते, मार 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 के दिया। सारे हमारे यहाँ बोटिंग हो चुकी है और हम दुबई के लिए निकल गए हैं। मैं तो वीडियो बना रहा था, मेरे साथ क्यों किया तुमने ऐसा? आपको पता है गलत बंदे का पंगा ले लिया तुमने, पंगा ले लिया गलत बंदे का, अब तो तुम पूरे नहा के जाओगे यहाँ से। अभी तो तुम रिव्यू बना ली रास्ते में, और यहाँ पे घूमते हैं देखते हैं आसपास, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पे, तो फील ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया में है ही नहीं, हम नहीं इंडिया में आ रहा है। तो भाई फाइनली यहाँ का एंजॉयमेंट पूरा हो गया, वापस चलते हैं यहाँ से बोटिंग करके। और अगर आप मेरे से किसी ने पंगा लिया, जीनी जीनी है ना, जीनी जीनी सूख गई है, जीनी सूख गई है, आप भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो चलो चलते हैं।
रहा था यार। अब तो गया, अब गया हूँ। ओ मेरे को नहीं रही। बोटिंग भी ऐसी थी कि 15 लोग वर्सेस मैं अकेला, सबने मेरे को भिगाने की कोशिश करी लेकिन मैंने सबको भिगा डाला। क्या मजा आया था बता दे, बता दे। बोल बोल गाइस, मजा आया था। फाइनली हमारा जो गेट टुगेदर था वो खत्म हो गया और अब सारे ये मिड पॉइंट था और यहाँ सारे ऑफिस जा रहे हैं, तो सारे बाय बाय कर दो सारे एक बार। तो मेरी फैमिली की तरफ से सभी को बाय, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, और बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।